डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 7 पास्ट टेंस से रीड करेंगे। ए वर्ब दैट रेफर्स टू पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन द पास्ट टेंस। एक वर्ब जो भूतकाल के समय को प्रकट करती है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। द पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस डिनोट्स एक्शन और हैपनिंग दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस ऐसे कार्य या घटना का वर्णन करता है जो भूतकाल में हुई थी। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सेंटेंस टाइप अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है, सोनाली सेंग ए मेलोडियस सॉन्ग इन द पार्टी। सोनाली ने पार्टी में एक मधुर गीत गाया। नेगेटिव सेंटेंस, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल है, सोनाली डिड नॉट सिंग ए मेलोडियस सॉन्ग इन द पार्टी। सोनाली ने पार्टी में एक मधुर गीत नहीं गाया। इंटरोगेटिव, पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। डिड सोनाली सिंग ए मेलोडियस सॉन्ग इन द पार्टी। क्या सोनाली ने पार्टी में एक मधुर गीत गाया? अब है इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यानी कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड आए शुरू में। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर डिड सोनाली सिंग ए मेलोडियस सॉन्ग। सोनाली ने एक मधुर गीत कहाँ गाया? अब है इंटरोगेटिव नेगेटिव, पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। डिड सोनाली नॉट सिंग ए मेलोडियस सॉन्ग इन द पार्टी। क्या सोनाली ने पार्टी में एक मधुर गीत नहीं गाया? यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट ए कंप्लीटेड एक्शन इन ए टाइम बिफोर नाउ। सिंपल पास्ट टेंस उस कार्य के बारे में बात करने के लिए प्रयोग होता है जो अब से पहले के समय में पूरा हुआ हो। ड्यूरेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अवधि महत्वपूर्ण नहीं है। द टाइम ऑफ द एक्शन कैन बी इन द रिसेंट पास्ट और द डिस्टेंट पास्ट। जो कार्य का समय है वो हाल ही का भूतकाल या दूर का भूतकाल हो सकता है। बट दे डू नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द प्रेजेंट टाइम, परंतु उनका वर्तमान समय से कोई संबंध नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वी क्रॉस्ड द ब्रिज यस्टरडे, हमने कल पुल पार किया। जॉन कैबॉट सेल्ड टू अमेरिका इन 1498। जॉन कैबॉट 1498 में अमेरिका पहुँचे। सेल्ड का मीनिंग होता है जो नाव द्वारा समुद्र के रास्ते से या जल मार्ग से यात्रा की जाए, उसको बोलते हैं सेल्ड। ही एट द डिनर 1 आवर एगो, उसने रात का भोजन 1 घंटा पहले किया। माई फादर डाइड लास्ट ईयर, मेरे पिताजी का देहांत पिछले वर्ष हो गया था। टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट इफ प्रीसीडेड विद सर्टेन एडवर्बियल्स। पास्ट की ऐसी हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए जो जिनके पहले निश्चित एडवर्बियल आता हो, क्रिया विशेषण। फॉर एग्जाम्पल, वी यूजुअली वेंट टू द स्कूल बाई बस, हम प्राय बस द्वारा स्कूल जाते थे।
सी नेवर वर्कड एट ए नाइट, उसने कभी भी रात को काम नहीं किया। विद ए फ्यू एक्शन इन द पास्ट हैपनिंग वन आफ्टर अनोदर, पास्ट के कुछ कार्यों के लिए जिसमें एक के बाद दूसरी घटना होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही एंटर्ड ए रूम, लिट ए सिगरेट एंड स्माइल्ड एट द गेस्ट्स, उसने एक कमरे में प्रवेश किया, एक सिगरेट जलाई और मेहमानों पर मुस्कुराया। स्पेशल नोट, वैन वी वांट टू सुजेस्ट सम पास्ट हैबिट वी ऑफन यूज एडवर्बियल वर्ड्स लाइक यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, नेवर, ऑफन, विद सिंपल पास्ट टेंस। जब हमें पास्ट के किसी हैबिट के बारे में बताते हैं तो ये एडवर्बियल वर्ब्स मोस्टली यूज होती हैं। इन सबॉर्डिनेट क्लोज टू रेफर टू समथिंग डिजराइबल और एन अनरियल स्टेट ऑफ ए थिंग। सबॉर्डिनेट क्लोज में किसी इच्छा को व्यक्त करने के लिए, इच्छा को प्रकट करने के लिए, या अनरियल स्टेट ऑफ थिंग वस्तु की अवास्तविक प्रकार के बारे में वर्णन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ राइट टाइम समवन टोल्ड हिम द ट्रूथ, यह सही समय है जब किसी ने उसे सच बताया। वी विश ही रिकॉल्ड अवर रिलेशन, हमारी इच्छा है कि हमारे संबंध पहले जैसे हो जाएं। इफ आई वर यू आई वुड गिव यू 98% मार्क्स, यदि मैं तुम होता तो मैं तुम्हें 98% मार्क्स से 98% नंबर देता। हैड कैन बी यूज एज मेन वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो सकता है। जैसे एज एव हैड वैसे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ज़्यादा आती हैं, लेकिन ये मेन वर्ब में भी यूज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ए रेन कोट विद मी बट द रेन कोट डिड नॉट हैव ए कैप, मेरे पास एक बरसाती कोट था परंतु बरसाती कोट की कैप नहीं थी, टोपी नहीं थी। सेंटेंस टाइप अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, जब हमें हेड का प्रयोग करते हों ऐसे बनेगा। एग्जाम्पल है, वी हैड ए वेल इक्विप्ड बंगलो, हमारे पास एक सुसज्जित बंगला था। और जब नेगेटिव हो तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट आएगा, फिर हैव आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सी डिड नॉट हैव इवन ए सिंगल पेनी इन हर पर्स, उसके पर्स में एक भी पैसा नहीं था। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये कब आता स्टूडेंट्स? जब हमने हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करना हो सिंपल पास्ट टेंस में। वैसे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ एड वाले सेंटेंस के बारे में बताया गया हमें। इंटरोगेटिव में क्या होगा? पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने अपना नाश्ता कर लिया है? इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो स्टार्टिंग में आएगा, इसमें डिडंट इकट्ठा आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। डिडंट यू हैव योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने अपना नाश्ता नहीं किया है? ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। अब है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वी यूजुअली सी द पास्ट कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एक्टिविटीज दैट लास्टेड फॉर सम टाइम इन द पास्ट।
हम प्राय पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग उन गतिविधियों के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो पास्ट टाइम में हुई थी, भूतकाल में हुई थी। द एक्शन कैन बी इंटरप्टेड बाय समथिंग और कैन बी हैपनिंग एट द सेम टाइम। कार्य किसी द्वारा रोका भी जा सकता है और उसी समय चल भी रहा हो सकता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सेंटेंस टाइप अफर्मेटिव, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाजवर आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल है, वी वर प्लेइंग क्रिकेट इन द स्टेडियम। हम स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहे थे। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाजवर में से एक वर्ड आता है, फिर आएगा वर्ब नॉट और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द स्टेडियम। हम स्टेडियम में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। इंटरोगेटिव, पहले वाजवर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वर वी प्लेइंग क्रिकेट इन द स्टेडियम, क्या हम स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहे थे। फिर है इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यानी जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए। डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्टिंग में आएगा, फिर वाजवर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। वेयर वर वी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे। अभी इन इंटरोगेटिव में डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पहले वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस था उसका आंसर हम केवल यस या नो में दे सकते हैं। जैसे उसमें पूछा था क्या हम स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसका आंसर हम यस भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं। लेकिन जो अब पूछा गया है वेयर वर वी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, तो इसमें हमें यस और नो में काम नहीं चलेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि कहाँ खेल रहे थे। ये डिफरेंस होता है इनमें। अब है इंटरोगेटिव नेगेटिव, पहले वाजवर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द स्टेडियम, क्या हम स्टेडियम में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। नेक्स्ट है यूजिंग द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के प्रयोग। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज फॉर ए कंटिन्यूइंग एक्शन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड इन द पास्ट। पास्ट के किसी विशेष समय अवधि में जब कार्य लगातार जारी था। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वॉचिंग टीवी थ्रू आउट द आफ्टरनून। वह पूरी दोपहर बाद टीवी देख रहा था। बी है द ट्रेन वॉज रनिंग लेट रेगुलरली ड्यूरिंग द लास्ट वन वीक। पिछले एक सप्ताह के दौरान ट्रेन नियमित रूप से देर से चल रही थी। टू टॉक अबाउट एक्शन और सिचुएशन दैट लास्टेड फॉर ए सम टाइम इन द पास्ट एंड हुज ड्यूरेशन टाइम इज अननोन और अनइम्पॉर्टेंट। ऐसे कार्य या स्थिति के बारे में बात करने के लिए जो पास्ट टाइम में हुई थी और उनकी ड्यूरेशन या तो अननोन है, हम जानते ही नहीं, या महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर एग्जांपल, सी वाज स्लीपिंग ऑन द कोच, वह सोफा पर सो रही थी। द डॉग वाज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा था। व्हेन वन एक्शन इन प्रोग्रेस इज इंटरप्टेड बाई अनोदर एक्शन इन द पास्ट, वी यूजली यूज वैन और वाइल टू लिंक दीज टू सेंटेंसेज। जब एक जो कार्य चल रहा है वो दूसरे कार्य द्वारा पास्ट में रोक दिया गया, तो हम दोनों सेंटेंस को लिंक करने के लिए वैन या वाइल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I was singing when my wife came home. जब मेरी पत्नी घर आई मैं गा रहा था।
आई वॉज प्लेइंग वाइल माई सिस्टर अराइव्ड, जब मेरी बहन पहुंची मैं खेल रहा था। फॉर टू साइमल्टेनियस एक्शन, दो एक साथ हो रहे काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रुखसार वाज सिंगिंग ए सॉन्ग एज सी वाज ड्राइविंग पेंटिंग, रुखसार पेंटिंग बनाते हुए एक गीत गा रही थी। इफ वी वॉन्ट टू आस्क ए पोलाइट क्वेश्चन, यदि हम एक नम्र प्रश्न पूछना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड ओपन द विंडो, मेरी इच्छा थी कि यदि आप खिड़की खोल देते। आई वॉज थिंकिंग यू माइट हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, मैं सोचता था इस समस्या में आप मेरी सहायता कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये पास्ट के हमने आज सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस के बारे में रीड किया है। अगले वीडियो में इसकी हमें एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।